कल रात देर तक जाकर और मैंने एक बहुत बढ़िया गाना लिखा है। क्या बात कर रहे हो? आपसे इंस्पिरेशन मिली भाई। सुनो जी, सुनो। सोपाटी तो देखो इधर के कितनी चौकी है। कमाल सफाई तो कमाल भी है। हाँ, जोरदार एकदम। हमने सेंटर सा में सब कुछ तो देख लिया। हाँ। पर यहाँ की सबसे बेस्ट जगह कौन सी है? बबीता जी आपका सवाल ही गलत है। अरे जहाँ हर चीज एक से बढ़कर एक हो, हर चीज कमाल की हो, वहाँ सब बेस्ट है। ओके। नहीं नहीं मेहता साहब, बबीता जी का सवाल बराबर है। कैसे? सेंटोसा में कोई तो ऐसी चीज होगी जो सबसे बेस्ट बेस्ट होगी। एक मिनट बबीता जी, मैं अभी जरा पता करके आता हूँ। सब कुछ बढ़िया है। एचएसबी, सॉरी, नमस्ते। ओ, नी हाओ। अच्छा, नी हाओ जेठालाल, इंडिया। ओ, इंडिया, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। हाँ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल इंडिया। नी हाओ बेन, सेंटोसा में बेस्ट जगह मजा बेस्ट प्लेस इन सेंटोसा। हाँ हाँ, बंजी जंपिंग। गंजी जंपिंग? नो, बंजी जंपिंग। बंजी जंपिंग ओवर देयर। अच्छा, उधर बाय द बीच। ओके ओके, बंजी जंपिंग। It's awesome. Acha, ha ha. Okay, okay. Thank you. Zaijian. Chai che? Tame Gujarati cho? What? Na na, kek biju boili hase. Chai che ne, chai che, chai. Chai che? Zaijian. Acha, zaijian, zaijian. Bye bye. Acha, zaijian. Okay, thank you. Bunji jumping. Okay. मेहता साहब, अंजलि भाभी, बबीता जी, चलिए मेरे साथ। कहाँ? एक बेस्ट बेस्ट जगह मिल गई है, वो आपको दिखाने ले जाता हूँ, चलो। अरे पर जेठा भाई, बताइए तो सही कहाँ? अरे आप चलिए तो सही, चलिए हाथ पकड़। अरे लेकिन जगह कौन सी है, वहाँ जाके करना क्या है, जगह का नाम क्या है, बोलो तो सही। जेठा लाल, पता चल जाएगा, धीरज रखो, बाप लिया है। चलो पकड़ो पकड़ो, हाथ पकड़ो हाथ पकड़ो। ओ वाओ, इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। वाह मम्मी, क्या क्लियर पानी है। नहीं बेबी, पता है अगर तुम्हारे पापा यहाँ होते ना तो पानी से बाहर निकलते ही नहीं। आई नो। मम्मी, मैं पापा को फोन करूँ? हाँ हाँ, करो। हाय गोली। पापा। हाय हंस। हंस, हम इतनी खूबसूरत जगह पे हैं कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। पापा, आप यहाँ आए होते ना, आपको बहुत प्यारी लगती है जगह। You would have loved it. Yes. क्या कह रहे हो, मैं कुछ समझा नहीं। एक मिनट, सब समझ में आ जाएगा। एक मिनट ना पापा, ये देखिए। ये देखिए पापा, खाली पानी देखिए, कितने क्लियर है। ये देखिए पापा, वहां पे कितनी बड़ी बड़ी शिप्स है। देखा पापा? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, केबल कार, केबल कार। ये देखिए पापा, ये केबल कार। और पापा, वो जो ऊपर आपको दिख रहा है ना, वो बंजी जंपिंग है। बंजी जंपिंग 500 फुट की ऊंचाई से लोग कूदते हैं पापा। और सब पापा, और थोड़ा लेफ्ट में वो दिख रहा होगा आपको, वो ज़िपलाइन है। ज़िपलाइन मुझे थोड़ी देर में मैं करने वाला हूँ। अरे वाह बेटा। पापा कैसा लगा आपको? अद्भुत, सच में एकदम अद्भुत। बेटा अगर मैं वहाँ होता ना तो पूरा दिन समुन्द्र में पड़ा रहता, पानी से बाहर ही नहीं निकलता। हाँ तो आ जाओ, इसलिए तो हमने फोन किया है। कोमल, काश मैं वहाँ आ पाता। पापा, I miss you. Miss you too, बेटा। हंस, I miss you too. कोमल, I miss you too. चलो अभी तुम अपना ध्यान रखना और वहाँ खूब एंजॉय करना। तो पापा, आपको मेरी याद आए ना तो टीवी के पीछे देखना, एक किताब मिलेगी, उसके पीछे एक डब्बा है।
में हमारी फेवरेट चॉकलेट रखी हुई थी मैंने आपसे छुपा के, वो आप खा सकते हो। बेटा इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, चलो वहाँ खूब एंजॉय करो, अभी फोन रखता हूँ। टेक केयर पापा, आई लव यू। लव यू बेटा। आई लव यू हंस। लव यू कोमल। टेक केयर, सी यू सून। सी यू, बाय बाय। चलो सब रात देख रहे होंगे। टब्बू टब्बू। अरे बेबी। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मस्त है रेत भी। हाँ। चलो ये I think Mr. Jethalal is going to do bungee jump. अरे जेठालाल मैं फिर से एक बार पूछ रहा हूँ, कहाँ लेके जा रहे हो, जगह का नाम क्या है, हम क्या करने वाले हैं? अरे बताता हूँ भाई। मेहता साहब, अंजलि बाबी, बबीता जी, हम लोग यहाँ बंजिंग जंपिंग करने आए हैं। क्या बंजी जंपिंग? बंजी जंपिंग? नहीं 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 जेठा जी, मैं बंजी जंपिंग नहीं कर सकती, मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। अरे इसमें डरने जैसा क्या है बबीता जी, अरे मैं हूँ ना साथ में। और जेठालाल मुझसे तो तुम पूछना ही मत, इस तरह के खेल में मेरी कोई रुचि नहीं है, मैं नहीं करूँगा। और जेठा भाई बंजी जंपिंग करने की बात तो छोड़िए, मुझे तो देख के ही डर लगता है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं करूँगा जंपिंग, हैं? वो आप लोग देखना, तो आपका जो डर है वो गायब हो जाएगा और आप में हिम्मत खुल जाएगी। लगता है जेठालाल जानता नहीं है कि बंजी जंपिंग क्या होता है, अब जरूर फंसने वाला है। तुम करोगे? हाँ क्यों नहीं, एक मिनट में अभी पूछ के आता हूँ। हाँ एक्सक्यूज मी, बंजिंग जंपिंग किधर? ऑन द टॉप फ्लोर। टॉप फ्लोर? हाँ चलो ऊपर है टॉप फ्लोर, चलो चलिए चलिए आइए 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 भाई, टॉप फ्लोर। हाँ 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 मेहता साहब, अंजलि भाभी, बबीता जी, देखिए क्या नजारा है, नहीं यहाँ से आप बात जोरदार दिख रहा है, नहीं टॉप फ्लोर पे आ गए हम लोग, यहीं कहीं होगा बंजिंग जंपिंग। अरे वो हो रहा है, वो देखो आदमी खड़ा हुआ है। हाँ बाय बाय करके कहाँ जाना है? किसी को बंजी जंपिंग कहते हैं। आई नो दैट, और इसीलिए तो मैं आपको बोल रही थी कि मुझे डर लगता है, मुझे नहीं करना है। तुम्हें क्या लगा था बंजी जंपिंग मतलब ऐसे जमीन पे ऐसे 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 कूदना? जेठा जी आप कर दो बंजी जंपिंग, हम लोग देखेंगे। मेहता साहब देखिए ये क्या है? मेहता साहब ये बंजी जंपिंग, 500 फीट से कूदोगे ना मजा आ जाएगा। अरे मैं 5 फीट से नहीं कूद सकता, 500 फीट कहाँ से कूदूं? बता लीजिए कुछ कीजिए मेहता साहब। ठीक है बोल दो कि भाई मुझे पता नहीं था बंजी जंपिंग क्या होती है, ऊपर आके देखा तो मैं बहुत डर गया, नहीं कर सकता। अरे ऐसा नहीं बोल सकता भाई। क्यों? अरे लेडीज के सामने इज्जत का बाजीपाला हो गया भाई, मैंने जो होशियारी मारी है हाँ मैं करूंगा, इसलिए प्लीज मैं ऐसा नहीं कर सकता, बचा लीजिए कुछ भी कीजिए। तो मैं क्यों बचाऊंगी, क्यों बचाऊं मैं? बार बार मैं तुमसे पूछ रहा था जेठालाल कि मुझे बता दो जगह का नाम क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या करने वाले, पर नहीं चलो तुम्हें बताना ही, चलो चलो रुक दो। अरे भाई आप बोल चुके हैं नीचे। बार बार बोलूंगा, अगर समय पे नहीं सुनोगे तो 25 बार बोलूंगा। प्लीज प्लीज कुछ कीजिए, मुझे बचा लीजिए प्लीज। करता हूँ। हाँ थैंक यू। यस हाय हाय मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप आई आल्सो वांट टू डू, सो आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, व्हाट आर द कंडीशन इन व्हिच अ पर्सन कैन नॉट डू जंप? वेल द कंडीशंस आर सीवियर हेडेक एंड प्रोस्थेटिक लेग्स एंड देन हार्ट प्रॉब्लम। हेडेक? या हेडेक, सीवियर हेडेक। सीवियर हेडेक, सो ही कैन नॉट डू? कैन नॉट। Friend wants to do, okay, but he's stubborn that he wants to do. He's having headache. Right, right. So can you just tell him that in headache he should not do it? Can. Huh? Can. Oh, Mehta sir, मेरा कोई नाम लिखा लग गया। What time लग? आ गया। हाँ। जैसे ले पूछ रहे हैं, तुमने खाने में क्या खाया? वही जो
थोड़ा बहुत हम सब ने खाया। अरे कहाँ थोड़ा बहुत जेठालाल, तुमने मेरे साथ खाया था, उसके बाद तीन चार पराठे खाए, वो दो तीन समोसे खा गए, तुम फाफड़ा जो तुम साथ लेके आए वो खाया तुमने, कितना सारा तो खाया था। बाप रे, अभी हम छुट्टी पे है तो थोड़ा क्या जम तम खा लेता हूँ, बाकी मुंबई में तो मैं एकदम ममटम करता हूँ बबीता जी, एकदम कंट्रोल। नहीं वो ठीक है जेठा, लेकिन इस वजह से एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। क्या क्या हुआ? क्या कि तुमने इतना सब कुछ खा लिया है, पेट भारी हो गया है, यहाँ तक भरा हुआ है, तो ये बोल रहे हैं तुम बंजी जंपिंग कर नहीं पाओगे। ये क्या बात हुई? रूल्स तो रूल्स होते ना जेठा, तुम नहीं कर पाओगे। Can you do it? Very sorry, you cannot do. So sorry, okay? Okay, thanks. Bye, bye, thank bye. सॉरी जेठालाल, तुम नहीं कर पाओगे। पूरा मूड ऑफ हो गया, मेरा कितना मन था। मैं जानता हूँ जेठालाल, मन था तुम्हारा, बहुत मन था, देखा मैंने, लेकिन क्या कर सकते हैं, ईश्वर की इच्छा, और जिंदगी में कूदा फांदी के और मौके आएंगे भाई, तब कर लेना है। बराबर, वो भी है, बोलो ठीक है, चले ठीक है, चलो चलो। मिस्टर जेठालाल जिन जाम। Excuse me, what's the time? It's happy o'clock. Happy o'clock? Any time is happy time if you're happy. So happy o'clock. I'm Nick from Singapore. I'm Popatlal from Mumbai, India. India? Oh wow! Bollywood. You like Bollywood? Yes, I like Katrina. Oh, even I like Katrina. By the way, I am a senior most journalist. I work for an international newspaper, Tufan Express, there in India. I have also won a Golden Crow Award. I'm a journalist too, same, same. Oh, wow. Where is Mrs. Popatlal? Unfortunately, I'm still not married. Same, same. I'm not married too. You're also unmarried? Why? Searching, searching, not finding a right girl. Same to same. Searching, searching, no finding a right girl. But I'm always very happy. I enjoy life. One day I know I'll find my life partner. Wow, great, great. I wish you best wishes that you find your life partner very soon. Thank you, wish you all the same. May you find your life partner soon. Oh, aapke mumbe ghee shakkar. What? In India, we have a culture. When somebody says something good about you, we tell them, aapke mumbe ghee shakkar. Means, all the sweetness of the world in your mouth. Thanks, thanks, my friend. Thank you, my friend. Thank you. इसलिए तो मैंने पिछले तीन घंटे से कुछ खाया नहीं है, तीन घंटे समझ रहा है तू? क्या बोलते हो, तूने तीन घंटे से नहीं खाया? ओहो, ठीक है ठीक, फिर तो पहले पहले तू ही जा। हाँ प्लीज प्लीज, मैं जा। चलो भाई, लेट्स गो।
Okay, Tapu Goli. It's time to leave now. We got to go. Already? Hey, stay for some time, na. We would love to. But our family is waiting for us. Oh. So enjoy a lot of yes. y'all. Same here. Had a wonderful trip. Yes. This trip is so memorable because of you guys. Yeah. Thank you so much. And we guys also had a great time with you. And please do visit India, okay? And be our guests. Yes, definitely. We are again excited to come to Gokusan Society. Oh, oh. Okay, guys. We go now. Goodbye. Okay. Hey, no bye-bye. See you soon. Okay, bye-bye. Bye. Thank you. Bye-bye. 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 Hey, चल बोली चल चल डिनर में बाय 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 टेक दिस थैंक यू निक थैंक यू ये कहाँ रह गया ये सबको मुझे ढूंढना पड़ रहा ये देखो ओ पोपटलाल अरे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें मैंने तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई कब से वेट कर रहे सब तुम्हारा मैं शादी की बातें कर रहा था किससे अरे भाई वो एक फॉरेनर भाई साहब मिल गए थे वो भी मेरी तरह निकले कुंवर है उनसे दोस्ती हो गई दोनों मिलकर सुख दुख की बातें कर रहे थे उसमें वक्त का पता ही नहीं चला हमारे सब कुंवारी तुम्हें ही मिलते हैं अरे चलो सब राह देख रहे वहाँ पे चलो हाँ चलो 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 एक मिनट मैं जरा बैग ले लेता हूँ मेरा एक एक हाथ हाथ पकड़ो हाथ पकड़ो ये भी पकड़ एक एक मिनट एक मिनट चलो भाई हाँ चलो चलो भाई चलो चलो राहत इंदौरी साहब का एक बड़ा प्रसिद्ध शेर है कि समंदरों के सफर में हवा चलाता है जहाज खुद नहीं चलते खुदा चलाता है अगर ईश्वर का आशीर्वाद हो तो दुनिया के महासागर में कोई भी जहाज हमेशा अविरल अनवरत चलता रहेगा और आज ऐसा ही एक मौका है आपसे एक बात कहने का हास्य के महासागर में तारक मेहता का उल्टा चश्मा नाम का जहाज एक ऐसे मुकाम पे आ गया जो आपके हमारे लिए सबके लिए गर्व का विषय है आज तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 2700 एपिसोड पूरे हो रहे हैं और ये संभव हुआ है ईश्वर के आशीर्वाद से आपके प्यार आपके स्नेह आपकी मोहब्बत से आपका और हमारा नाता इतना अद्भुत है इतना अनुपम इतना द्वितीय है हमारा परिश्रम है आपकी मोहब्बत है ईश्वर का आशीर्वाद है अगर ये संगम ऐसे ही बना रहा तो यकीन मानिए कि जहाज यूं ही आगे बढ़ता रहेगा हास्य के महासागर में लहरें उठती रहेंगी आपके घरों में हंसी की हवा सदैव आती रहेगी अपना प्यार बस यूं ही बनाए रखिए हमसे मोहब्बत का नाता हमेशा रखिए हमारा परिश्रम आपका आशीर्वाद और ईश्वर का हाथ यही है तारक मेहता की सफलता का राज बस हमारे साथ यूं ही बने रहिए देखते रहिए हंसते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहिए हंसते रहिए मेहता का उल्टा चश्मा बच्चे खेलते हैं क्रिकेट रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं कांच तोड़े ऐसे प्लेयर रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं खेलो बच्चों उल्टा चश्मा तारक मेहता आपके जीवन में खुशियों की यही हवा हमेशा लेके आता रहेगा बस देखते रहिए हंसते रहिए 2700 For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.